दो साल में वेट करूं? बताइए, रेज योर हैंड। इस दोनों पोर्शन में, सेक्शन बढ़ाने में और रैशनल नंबर बढ़ाने में, क्या इतना डीप डिफरेंस है कि उसके लिए मुझे दो साल इंतजार करना पड़ा? और करता हूं तो उसको रिलेट नहीं करता फ्रैक्शन के साथ। अब जैसे वो वर्ड है फ्रैक्शन, वो सारी थ्योरी नंबर थ्योरी पर ही इन्वॉल्व है। उसके अंदर आप ना नेगेटिव सोच सकते हो, क्योंकि जब फ्रैक्चर वर्ड है तो टर्म तो एक हो जमी तो टूटेगी, माइनस एक टर्म तो नहीं टूटेगी ना, टूटेगी जीरो टर्म होगी वो भी नहीं टूटेगी। तो शुरू से ही ध्यान रखें, फ्रैक्शन का जो शब्द है वो जब तक पी आर क्यू दोनों नेचुरल नंबर नहीं होंगे तो फ्रैक्शन की थ्योरी इन्वॉल्व नहीं होगी। रैशनल नंबर में हमने उसको नेचुरल नंबर से एक्सटेंड किया है इंटीजर्स के अंदर इन ऑर्डर टू इंक्लूड जीरो एंड नेगेटिव। उसके बाद सारे ऑपरेशन उसी वक्त काम करते हैं। तीसरी बात, जो रैशनल नंबर में एक डिसीजन हम शुरू में करते हैं कि एक नंबर रैशनल नंबर होता है, बात मेरी क्लियर हो रही है सबको? वी बाई क्यू की फॉर्म का, वेयर क्यू इज नॉट जीरो एंड क्यू इज क्यू एंड पी बिलोंग्स टू आई। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं अगर इसको एक तरह से डिफाइन कर दूँ कि पी बिलोंग्स टू आई एंड क्यू बिलोंग्स टू एन, तो क्या डेफिनेशन ठीक नहीं होगी? लिसन अगेन, पी बिलोंग्स टू आई एंड क्यू बिलोंग्स टू एन, क्योंकि जो क्यू था आपका, पहले आपने कह दिया था कि जीरो नहीं होगा, दूसरी वक्त पहले दिन ही आप कह देते हैं कि नीचे के नेगेटिव नंबर को हम कन्वर्ट करके पॉजिटिव बना देते हैं, ये मैनिपुलेशन आप शुरू में कर लेते हो। तो जब मैनिपुलेशन करना ही था आपको ये जीरो वाला और नेगेटिव वाला, तो क्यों ना क्यू को एंड में डाल दें, हमें करेक्ट। मैंने जब नाइन्थ की किताब के अंदर ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में लिखवाया अपने ऑथर से, तो ये देखिए एनसीईआरटी में हम अपनी किताब अपने आप सारी नहीं लिखते, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें जो भी कमी है वो हमारी है। हम चार एक्सपर्ट को बुलाते हैं क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इतनी बड़ी स्टेट में एक्सपर्ट ही अवेलेबल है, तो हमारी किसी भी किताब की कमेटी में हम अकेले नहीं होते, पर मैनेज हम करते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो करेगा ही ना कुछ ना कुछ, तो वो तो करके चले जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते साहब वो किताब गलत लिख गए, क्योंकि उसको तो हमने इन्वाइट किया था, फिर हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने भाई भतीजे क्यों अपॉइंट करेंगे, तो गलती होगी तो हमारे भी रहते हैं। फिर मैंने नई किताब में अपने एक्सपर्ट से कहा कि तुम उसकी प्रोडक्शन में क्यू को एंड बना के दे। और जब मैंने ट्रेनिंग कराई टीचर्स की, मैंने उससे पूछा ये बात कि भाई बड़ी जल्दी जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हो क्यू को जीरो नहीं होगा, ये पहले लिख देते हो उसके बाद ही दे देते हो कि आगे से हम क्यू को पॉजिटिव बनाएंगे हर जगह बाई मल्टीप्लाई बाई माइनस वन अप एंड लो, और सारे के सारे रैशनल नंबर, क्योंकि रियल लाइन पर रैशनल नंबर को डेमोस्ट्रेट करने का प्रॉब्लम है क्यू को नेगेटिव होने में, क्योंकि रियल लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट है, जीरो के इधर सारे पॉजिटिव हैं और जीरो के उधर सारे नेगेटिव हैं, तो जो उसका डिवीजन किया आपने वो माइनस वन के दो हिस्से किए, जो होगा माइनस एक बटा दो। आपने एक बटा माइनस दो नहीं करे कहीं पर, क्योंकि चीज वही डिवाइड होती है जो होल सोल हो, यू कांट डिवाइड माइनस टू, तो उसलिए वो कंडीशन भी लगा रखी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब इतनी दो भारी कंडीशन आपने शुरू से लगा रखी थी तो डेफिनेशन को क्यों नहीं रिवाइज करते? देखिए रिसर्च का एक कंपोनेंट यही है, रिसर्च का ही मतलब ये है कि आप ऑल ऑफ अ सडन कह दो कि धरती सूरज के चारों तरफ नहीं घूमती बल्कि सूरज घूमता है, ये कोई रिसर्च नहीं है। रिसर्च है जहाँ जहाँ आपको लगता है इम्प्रूव करने की कोशिश है, अगर आप थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी कर लें तो आपको पी एच डी या एमफिल तो जरूर मिल जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, अभी एक दो रात जो हम घंटे पर बात करेंगे, कि आप क्वेश्चन मेरे से सारे उठाओ, मैं आपको ये कन्विंस कर दूंगा, कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि आप यहाँ से जाने के बाद वो गलती आप नहीं करेंगे, और जो आपके साथी उस चीज़ के बारे में डिलेमा रखते हैं उनको आप जरूर बताइए कि ये गड़बड़ है। आपको मैंने वार्म अप करने के लिए दो छोटी छोटी मेरे पास बहुत है, एक और मैं बताता हूँ जो अभी मैंने रिसेंटली एनसीईआरटी की किताब में भी करवाया है, जो प्राइमरी किताब लिखी जा रही है, क्योंकि हम लोग रिटायर जरूर हो जाते हैं पर टायर्ड नहीं होते, परेशानी भुगती रहती है कि भाई अपने डिवीजन के अंदर जो लॉन्ग प्रोसेस है, तो दो डिजिट से बच्चा भाग करता है या तीन डिजिट से भाग करता है तो पागल हो जाता है, क्योंकि जितने उसमें वो रूल सिखाए जाते हैं, पहले इसको देखो इतना हिस्सा छोड़ दो, इन दोनों को डिविजन करके देखो भाग होता है या नहीं होता, नहीं होता तो पढ़ा लो, नहीं होता तो घटा लो, फिर भाग करो, वो पागल हो जाता है। टू डिजिट की डिवीजन और थ्री डिजिट की
सिंगल डिजिट की तो कर लेता है क्योंकि उसके बाद मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। डू यू एग्री विद मी? अब ये प्रॉब्लम देश इस वक्त सीनियर सिटीजन हो चुका है, 62 साल का हो गया ना, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन कैटेगरी में पहुंच गया। पर सीनियर सिटीजन की वही हालत है जो उसकी इन्फेंट स्टेज में। मेरे टाइम में भी तो दो डिवीजन का डिफिकल्ट था और आज भी उतना डिफिकल्ट है। इसका मतलब हम सबका कंट्रीब्यूशन वो नहीं है सिग्निफिकेंट जो हो जाना चाहिए। अभी अभी हमने रिसेंटली एक नया मेथड इवॉल्व किया है, वो हमने किताबों में डालना शुरू कर दिया है। कुछ प्राइवेट प्रोफेशन ने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, देखिए जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो कुछ हमारे ऑथर बाहर के भी होते हैं जो कविता भेज देते हैं और हम उनको परमिट करते हैं विद दी परमिशन। हम कहते हैं हम किसी के ऑथर को अगर हम थोड़ा ओरिएंट कर दें, उसकी किताब बेटर हो जाए, तो हमारा दुश्मन नहीं है। क्योंकि NCERT बुक्स आर ओनली यूज इन 3% स्कूल, क्योंकि हमारी किताबें सर्च सेंटर स्कूल के लिए हम बनाते हैं, क्योंकि पब्लिशिंग का बजट हमारे पास इतना नहीं होता जितना रिसर्च का होता है। तो हम तो ये मांगे चलते हैं अगर उसका ऑथर भी हमारी बात को समझ के चला जाए और वो अपनी किताब को ठीक कर ले तो उसकी किताब भी तो कहीं लगी रहेगी ना, तो बच्चे तो हमारे ही है ना सारे, टीचर भी हमारे, तो उस चीज़ को भी हम माइंड नहीं करते। तो हमने उस मेथड को एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने उसको अपने मटेरियल में लिखा डॉक्यूमेंट में, जिससे कि टीचर ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। और आपने उसको एक्सप्लेन करूँगा कि हो सकता है आप में से कुछ हो, कोई हाथ प्लेस कर सकता है कि मेरी मुलाकात आपसे कभी हुई है इससे पहले या नहीं हुई? लास्ट में मैंने बहुत मेहनत करी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ क्वेश्चन जो पीसा में हमारे बच्चों ने हमारे देश की इज्जत नहीं कमा पाए। आपको पता है पीसा का एक्सपीरियंस? नहीं पता, मैं बताता हूँ, उनको मालूम है। हम लोग कई सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि इस एग्जामिनेशन में जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है जिसका हीरो हमेशा सिंगापुर रहा है, सिंगापुर बैक एवरी टाइम फर्स्ट होगी आउट ऑफ 100 कंट्रीज अराउंड। हमारी बड़ी कोशिश थी, उनसे अभी बहुत कोशिश करती थी कि मिनिस्ट्री इसके लिए एंट्रेंस अपनी डाले। मिनिस्ट्री में मिला, आपको पता IAS होता है, दो एक साल के लिए आता है, दो साल के लिए आता है, तो कहता है कोरिया मिनिस्टर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। NCERT को जिंदा बड़ी दिख रहना जिंदगी भर ये बोलती रहती, उन्हें माने। कुछ कपिल सिब्बल जी के टाइम में ये एक कोशिश रंग लाई थी, कपिल सिब्बल वो सब कुछ करना चाहते थे जो पहले किसी ने नहीं किया, चाहे वो 10वीं का एग्जाम हो चाहे वो सीखी। तो उन्होंने ये बात मानी कि लगे चलो हम भी, हमने दो स्टेट सेलेक्ट करी, हम हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र तमिलनाडु। और NCERT के ऑफिसर ने और बाहर के लोगों ने हमारे 100 टीचर्स की हमने ट्रेनिंग करी, 50 ग्राम हिमाचल, 50 ग्राम तमिलनाडु, और हमने बच्चे तैयार कराए 7वीं क्लास, वो इस एग्जाम में जारी रहे। कुछ हमने सैंपल मटेरियल भी दिया जो मैंने बार देखा, वो सैंपल मैंने बच्चे लिया हुआ था जो मैंने वहाँ यूज किया था, हमने वो सैंपल यूज किया था, ठीक है। अब मैं ये नहीं पता कि हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमारे टीचर ने उसके ऊपर कितना काम किया होगा, क्योंकि आप स्कूल में डायरेक्ट जा नहीं सकते। हम तो इंडक्शन दे देते हैं, हेल्प दे देते हैं, बाद में टीचर से उम्मीद करते हैं कि वो अपने आप सिखाए। फर्स्ट टाइम था हमारे टीचर ने जो भी कुछ करा होगा अपनी कोशिश में, क्योंकि हम बेसिकली फार्मूला बेस्ड टीचिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। बोर्ड में अगर किताब किताबें ना हो तो ये शोर मच जाता है कि ये बातें किसी किताब में खाई, जैसे कि हमें किताब के सवाल ही पूछने का काम रहेगा बोर्ड में, हमें करेक्ट ऐसा नहीं होता। क्योंकि अबव एवरेज बच्चे के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होने चाहिए पेपर में जो जीनियस डिक्लेयर कर पड़े। 100% बच्चे जीनियस नहीं होते, किसी फैमिली में अगर 7 लड़के हैं तो 7 को शायद जीनियस नहीं होते, तो वो सिस्टम में भी लागू होते हैं। पर बच्चों ने परफॉर्मेंस दी थी और इंडिया वाज रेटेड एट 73 आउट ऑफ 70। गुस्से में आए मिनिस्टर साहब भी, सेक्रेटरी साहब भी, मैं भी वहाँ था, और बसने लगे। मैंने कहा बदला तो हमें आपके ऊपर है, CTT के इंट्रोडक्शन में आपने 21 साल लगा दिए, जिस तरह के यहाँ के कल्प्रिट को फांसी देने के लिए आप 23 साल लगा देते हैं। CTT के एग्जाम के लिए NCERT में मैं टीचर एजुकेशन का एग्जाम था, मैंने बड़ी कोशिश करी कि भाई स्कूलों में जो BEd के टीचर आ रहे हैं इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि BEd इंडक्शन कोर्स अच्छा नहीं है, प्राइवेट बहुत लोग करा रहे हैं और उनका खराब रहा है, अन्ना मलाई बह रहा है। ये टीचर्स अपनी योग्यता लिख के सर्टिफिकेट ले आते हैं पर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, तो हमें इम्तिहान डालने दो जिस तरह से हम चाहते हैं। 21 साल लग गए हमारी बात मनवाने में। अब जब एग्जाम हुआ तो आपको पता ही है 0.1% रिजल्ट आया पहला बार, अब थोड़ा बेटर हुआ है, हमसे कहा जा रहा है पेपर को रिड्यूस करो, हम नहीं मानने को तैयार, क्योंकि रिडक्शन करना है तो फिर ना करो, टाइम लगेगा पर धीरे धीरे क्वालिटी आएगी, समझ गए।
तो हमारी टीम उसको चेंज करने में कामयाब भी करते हैं। अब तो चलो चले गए, जो प्रेशर डाल रहे थे राजू साहब ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं कि नई गवर्नमेंट आए तो सर कब काम करें। छः महीने के लिए वाइफ खोल ली। अब वो मेथड में आपको डिवीजन का बताऊंगा, पर मैं अब आपसे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम एक घंटे का दिया है मेरे मैडम ने, कि जो आपके सैलियंट डिलेमा पॉइंट है, डिफिकल्टी नहीं कहूँगा मैं आपको, क्योंकि टीचर के पास कहना डिफिकल्टी है तो पढ़ा है, जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन के पॉइंट है वो अगर आप मुझे लिस्ट करवा दें बोर्ड पर और मैं उनको सबको इंटीग्रेट करके एक एक बात आपको बताऊँ, तो शायद ज़्यादा हेल्प होगा बचपन में इसके बाद हमें करता हूँ। जिनका एक थोड़ा रेस करो, प्लीज कम कम फॉरवर्ड। हाँ बोलिए, वेरी गुड। देखिए अगर एक हो जाता है ना तो एक जोड़ का दो बन जाता है। क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल सर, यू थिंक इट्स वेरी सिंपल। देखिए आई हैव बीन रीडिंग दैट वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट आई ऑलवेज क्वेश्चन माय सेल्फ व्हाई इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये है ऑनेस्टी हमारे टीचर्स की जो एग्जिस्ट करती है, पर हमें मोटिवेट करना आना चाहिए टीचर का। जहाँ हम बेसिकली ये सोच के चलते हैं कि ऑल आर टॉपर सिस्टम में, मुझसे कई लोग कहते हैं सर आपका यंग आप टीचर जो आ रहा है ना वो काम नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं, हम लोग रिटायर से पहले क्यों नहीं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, क्यों नहीं एजुकेट कर रहे हैं? शायद हमने ये कहना सीख लिया है कि दे आर नॉट गुड, अकॉर्डिंग टू देम वी आर ऑल्सो नॉट गुड। चलिए मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी, एक दो ऐड करेगा, आप ऐड करिए प्लीज। देखिए ये कोई वैल्यूशन नहीं, मैंने जिन लोगों से कहते थे आप आ रहे हैं। चलिए मैं यहाँ चार पाँच ओवर है उसका भी आप एनसीईआरटी ये मत कहिए, एनसीईआरटी की बुक में आप ही कही मैंने ये सीखा है और ये मैं मेरा असरा है, आप पहले ये मत कहिए एनसीईआरटी की बुक इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, एनीबॉडी हैज मेड ए मिस्टेक। आप ये कहिए कि ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर, ठीक है? आप बोलिए जी, मैं वही पूछना चाहता हूँ और लॉग फंक्शन को इनपुट्स के ऐड विद क्लास में, लेकिन डेरिवेटिव जो है वो देखो एक बात बताऊं, मैं आपको थोड़ा ऊपर में बढ़ाऊं, इसलिए आपसे कह सकता हूं आप लोग ये कोशिश ना करा करें स्टार्टिंग में कि सिलेबस में रिवीजन क्यों हुआ, क्योंकि सिलेबस कमेटी के जो सीनियर लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी टेंथ क्लास की कमेटी का मेम्बर दिनेश जो वाइस चांसलर है, मैथमेटिक्स का मेरा क्लास फेलो भी है, और क्योंकि हमारी अप्रोच की आपस के लेवल पर यू हैव टू बी चेयरमैन ऑफ अवर टेंथ क्लास, ये लोग इनका हायर पर्सपेक्टिव होता है दिमाग में, ये महसूस करते हैं कि कितना हफ्ता हटाया जाए मैथमेटिक्स जिससे कि नई चीज़ें उसमें इंकॉर्पोरेट हो जाए, जब हटाओगे नहीं तो नया कहाँ से लाओगे? फॉर एग्जाम्पल नेपियर की जो लॉग टेबल थी हम लोग क्यों यूज़ करते थे, कोई बता सकता है? इतने सालों तक हमने यूज़ करी है, क्यों नहीं करते? हम इसलिए यूज़ करते थे कि जो साइंस में कंप्यूटेशन है डेसिमल्स की, वो इतने डिफिकल्ट है कि उसके ऊपर अगर काम करने लग जाए तो हमारा बच्चा कंपटीशन में लगा रहेगा, ना कि किसी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखने में। मैं करेक्ट, आज जब हमारा प्रेशर ही नहीं है कंपटीशन में, अगर आप मेरे टेंथ के एग्जाम के सवाल के पेपर देखें पिछले 10 सालों के, मैंने कहीं ऐसी कोशिश नहीं करवाई है पेपर सेटर से जहाँ मल्टीप्लीकेशन 8 और 7 की इन्वॉल्व है। मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू दो जो 5 से 4 गुना हो जाए, 8 से 5 गुना हो जाए, 10 से 2 गुना हो जाए, क्योंकि तुम्हें तो कॉन्सेप्ट सीखना था, कंपटीशन थोड़ा टेस्ट करनी है 10 मिनट। अब उठा के देखिए, कहीं मैंने ऐसा नहीं कहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर निकालो जिसका डायमीटर 7.3 हो। अरे तुम्हें कम वॉल्यूम निकालना था तो 4 से भी तो निकल सकता था, 4.3 का क्यूब लेते लेते अगर बच्चा पागल हो गया तो वॉल्यूम सिखा रहे हो या उनको डेसिमल सिखा रहे हो? ये बिल्कुल हमारी हिदायत है। इसलिए जब हमने देखा कि ये नेपियर रोल के लॉग इतने सालों के बाद भी हमारे टीचर में कॉन्फिडेंस नहीं आया एंटी लॉग को यूज करना, लॉग को तो यूज कर लेते हैं, एंटी लॉग में जो मेंटिसा को पॉजिटिव करके निकालना पड़ता है, 50 साल में भी हम मास्टर नहीं हो पाए थे और अब सब कुछ कैलकुलेटर में। दूसरा हमारा है बेसिक खत्म हो गया, मैथमेटिक्स
is not a computational subject now. Computations are important, but it is not primarily a computation. जब मैं अपने फादर पढ़ते होंगे, हो सकता है एक बार यूज बाय कंप्यूटेशन, क्योंकि वो जो मुनीम है या कलर्क है वो यूज करते थे. ओवरऑल हम कंप्यूटेशन में